नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ कैसे बन सकती है, आप कहाँ गलतियाँ करते हैं, तो सिंपल सा काम है, आपको करना है कमेंट। और मुझे पता है बहुत से लोग नाराज़ रहते हैं इस चीज़ से कि सर नंबर नहीं आता, रिप्लाई नहीं आता, बट हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिव्यू कर सकें, ठीक है। और इस वीडियो में भी मैंने एक से ज़्यादा ही फंड उठाए हैं और डिटेल में रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि कहाँ गलती आप कर रहे हैं कहाँ नहीं। तो चलते हैं स्क्रीन पर, बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले इनके क्वेश्चन का जवाब, सर व्हाई डोंट यू रिप्लाई, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। आई हैव डाउट व्हाई डोंट पीपल इन्वेस्ट इन लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स एडलविस फंड, आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। ठीक है, मतलब एक फंड में इन्वेस्ट करना मैं उसको एक ब्रिलियंट आइडिया नहीं बोल सकता, बट हाँ ठीक है, एक अच्छा आइडिया है बोल सकते हैं, ठीक है। बट फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इनका अगला कमेंट मैं पढ़ता हूँ, सर इज इन्वेस्टिंग कंप्लीटली इन लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स फंड गुड आइडिया फॉर लॉन्ग टर्म? बिल्कुल भी नहीं। देखिए दो चीज़ें हैं अब यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एक ही इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डालेंगे, ठीक है, आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आप एक्टिवली मैनेज कीजिए अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, आप किसी एडवाइज़र को हायर कीजिए जो आपको वेल्थ बना के दे सके। थर्ड नंबर पर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग कीजिए। अब इंडेक्स इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको यहाँ पे ना नॉलेज चाहिए ना टाइम चाहिए। लेकिन जब इतनी अच्छी चीज़ है ये कि टाइम भी नहीं चाहिए, नॉलेज भी नहीं चाहिए, आपने फंड ले लिया रख लिया, तो वहाँ आप रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है। रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। और एक ही इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डालना वैसे भी ठीक नहीं है, तो आपको कम से कम एक मिड कैप का अलग से ले लीजिए, एक स्मॉल कैप का ले लीजिए, ठीक है, रिटर्न कंप्रोमाइज़ होंगे, लेकिन आपको नॉलेज और टाइम देने की कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, देखते हैं इनका पोर्टफोलियो कैसा है। सबसे पहले इन्होंने जो ले रखा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, ठीक है, चलो इसको सैटेलाइट और कोर दोनों में बराबर बांट दिया। और कोटेक का 200 मोमेंटम, इसको एक बार के लिए आप कोर फंड मान लीजिए। जे एम फ्लेक्सी, महिंद्रा स्मॉल कैप, एचडीएफसी, बाकी ये तीन फंड प्रॉपर पूरे क्या हो गए, आपके सैटेलाइट हो गए। और इसको अगर मैंने आधा सैटेलाइट मान लिया तो इस पोर्टफोलियो में एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करूँ तो क्वालिटी के हिसाब से सब फंड अच्छे हैं इनके पास, ठीक है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सैटेलाइट और कोर में कुछ ज़्यादा अच्छा करा नहीं हुआ, नंबर ऑफ फंड्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। स्टेबिलिटी नहीं आएगी पोर्टफोलियो में अगर आप ज़्यादा ऐसे फंड भर लोगे जो रीसेंट में चल रहे हैं, फिर बाद में वो सारे के सारे चेंज करने पड़ेंगे, जो पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो टैक्स किया एग्जिट लोड के जरिए बहुत पैसा लॉस करोगे, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर एएमसी में ज़्यादा पैसा नहीं है, किसी एक कैपिटलाइजेशन में नहीं है, किसी पर्टिकुलर फंड में नहीं है, एग्रेसिव पूरा अच्छा पोर्टफोलियो है, लेकिन यहाँ पे इसको 20 में से मिलते हैं 15.5। मेरे हिसाब से अगर ये नंबर 17, 18, 19, 20 नहीं है, 15 से 17 के बीच है, तो आपको हल्का फुल्का काम करने की ज़रूरत है। और हल्का फुल्का इसमें ये काम करने की ज़रूरत है कि आप एक कोर फंड ऐड कर लेंगे जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा तो वो ठीक रहेगा। बेशक वो अमाउंट बढ़ने के बाद कर लें इन फ्यूचर, या फिर अभी आप HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड का पैसा बंद करके वहाँ पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, या महिंद्रा स्मॉल कैप का, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं और इनका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। सेम पराग पारिक 2000 रुपये, कोटेक एमर्जिंग 2000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000 रुपये। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिव्यू करें और एक बार इनके सभी नंबर अगर हम साफ़ कर दें, ठीक है, अब दूसरा पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि यहाँ क्या गलती है, और आपको सीखना है कि किस तरह से आपको ये सेम गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है। जैसे अभी मैंने कोर और सैटेलाइट का कंसेप्ट समझाया, तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर थोड़ा सा और आगे डीप जाएं तो पराग पारिक 2000, कोटेक एमर्जिंग, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, क्वालिटी के हिसाब से 5 में से 5 नंबर में देना चाहूँगा कि कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। सैटेलाइट और कोर की बात करें तो इसमें सैटेलाइट फंड बहुत कम है, मतलब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को हम अगर आधा सैटेलाइट मान रहे हैं तो उसके अलावा कोई सैटेलाइट है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोटेक एमर्जिंग भी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत स्टेबल रहता है, तो स्टेबिलिटी तो पोर्टफोलियो में पूरी रहेगी, नंबर ऑफ फंड्स भी अच्छे हैं। सैटेलाइट और कोर में थोड़ा सा मार खा गए तो इसको मैं 1.5 दूंगा, ठीक है। एसेट किसी पर्टिकुलर एसेट एलोकेशन में ज़्यादा पैसा हो
वो देख लेते हैं, 2000 2000 2000, अब 4000 यहाँ पे मिड कैप में है, तो ये चीज़ तो पक्का है कि एक तरह की कैपिटलाइजेशन में पैसा ज़्यादा है, जिस वजह से मैं इसे जीरो दूंगा, क्योंकि 70% से ज़्यादा लगभग इसमें पैसा जाएगा आपका, क्योंकि पराग पारिक भी फ्लेक्सी कैप है और थोड़ा बहुत वो भी अपना मिड कैप में डालेगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर AMC में पैसा ज़्यादा हो तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फंड में पैसा ज़्यादा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। एग्रेसिव ठीक है, एक नंबर यहाँ पे हम या आधा नंबर स्मॉल कैप ना ऐड करने का काट सकते हैं, एक नंबर, ठीक है, तो एक नंबर यहाँ डिडक्ट हो गया, दो नंबर ऊपर हो गए और आधा नंबर यहाँ डिडक्ट हो गया, तो 3.5 आपका डिडक्ट हुआ, जिसमें 16.5 बनते हैं। तो अब इसमें आप क्या ठीक कर सकते हैं, इसमें आप एक स्मॉल कैप ठीक ऐड करके सब कुछ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। 500-500 रुपये तीनों में से काट के 1500 रुपये सबकी हो जाएगी और 1500 रुपये की एक नई SIP स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप इस पोर्टफोलियो को देखिए, फ्लेक्सी कैप आपने डाला, ठीक है, एक स्टेबल हो गया, एक एग्रेसिव हो गया, चलो मतलब एक सैटेलाइट और एक कोर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको हम सैटेलाइट और कोर दोनों में मान लेते हैं और ये पूरी तरह से सैटेलाइट हो गया, फिर से ये पोर्टफोलियो सैटेलाइट हो गया। अब अगर मैं देखूं 21.6, 16.7, 10% मैं मोतीलाल का ले रहा हूं और ऊपर 16.7 के आसपास ले लिया हमने, ठीक है। अगर मैं इसको करूं तो 65% पोर्टफोलियो आपका किस में जा रहा है, सैटेलाइट साइड में जा रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि क्वालिटी के हिसाब से ठीक है और सैटेलाइट और कोर का डिवीज़न ठीक ठाक है, सिर्फ आधा नंबर कटना चाहिए मेरे हिसाब से, नंबर ऑफ़ फंड्स बिल्कुल ठीक है, अगर मैं इन फंड्स को कंसीडर ना करूं जो आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये पोर्टफोलियो पूरी तरह से स्टेबल रहेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं, किसी एक पर्टिकुलर एसेट में ज़्यादा पैसा नहीं है, कैपिटलाइजेशन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पर्टिकुलर फंड में भी पैसा नहीं है और पोर्टफोलियो आपका एग्रेसिव भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसको लगभग 19.5, मतलब जितनी बार भी मैंने नंबर दिए हैं ना, 19.5 तो किसी के नहीं निकले, ठीक है। लेकिन ये पोर्टफोलियो सच में अच्छा है, लेकिन ख़राब कहाँ पे है, जो इन्होंने एक्स्ट्रा फंड्स ले रखे हैं, तो एक्स्ट्रा फंड्स में सेल करके जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें आप डिवाइड कर सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें, मिलते हैं अगली वीडियो।